नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजी अपने YouTube चैनल पर दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार इस समय अलवर अनाज मंडी में हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। इस समय बारिश का दौर चल रहा है और लगभग 3 दिन हो गए हैं बारिश चलते हुए। तो इस प्रकार अलवर अनाज मंडी अभी तो ना तो माल की आवक हो रही है और माल की आवक तो आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और चलते हैं, अब आरती भी आजकल घर ही बैठे हैं तो लगभग आप ही मिले हो मुझे भाव बताने के लिए। तो सबसे पहले आज सरसों का क्या भाव रहा अनाज मंडी में? आज सरसों को बाजार में मतलब आज बाजार टूट गया। कितना टूट गया? लगभग डेढ़ 200 आठ सरसों का भाव था, टूट चुका। और आज आवक कैसी है? आवक तो समझ लें 1.5-2 हज़ार की आमद है। और इसका गेहूँ का भाव क्या लगभग अंदाजा है कुछ आपको? गेहूँ का भाव दिखाया 2060। और बाकी तो सब भाव स्थिर ही होंगे, गेहूँ चना बाजरा लगभग। गेहूँ का वो बाजरे का क्या रेट रहा लगभग, थोड़ा सा अंदाजा है क्या? अंदाज़ा 2200 का रेट बाजरे का रेट थोड़ा सा आप कन्फर्म करके बताओ। चलो बाजरे का रेट का ही चल रहा है 2200 का ही है। हाँ 2100। तो दोस्तों वैसे तो आप क्या करते हो मंडी में, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्या मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी करते हो तो माल की आवक कैसी हो रही है इस समय? कुछ भी नहीं है, माल की आवक कोई आ जाता तो कर लेते हैं। और मजदूरी वगैरह आपकी? कुछ भी नहीं है, मजदूरी वगैरह कुछ नहीं बन रही है इस टाइम, खाली बैठे हो। बारिश को 3-4 दिन हो गए लगातार, तो बारिश से भी फर्क पड़ रहा है क्या? बारिश से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, बारिश से तो बल्कि अच्छा पड़ जाए तो वैसे भी खाली बैठे। अच्छा अच्छा, तो बारिश तो पड़ती रहे। हाँ तो लगभग आज बाजार काफ़ी टूटा रहा। कोई सरसों वरसों आई है आपके सामने? आप आई थी, कितने कट्टे आए थे हमारे? 50-60 कट्टे। क्या भाव लगभग अंदाजा कह रहा? 6100 लगभग। कितनी लैंप थी अंदाजा है कुछ आपको मालूम? अंदाजा चलो 6100 भी किया, मतलब कुल मिला के आज का बाजार टूटा हुआ है। ठीक है भाई साहब, जैसे जिस प्रकार की जानकारी आपने दी उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस समय आरती मौजूद नहीं है, थोड़ा सा हम भी लेट हैं मंडी में। धन्यवाद भाई साहब।